दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार तेज हो रही है। आज इस जंग का 8वां दिन है। रूस ने राजधानी कीव और खार्किव शहर में भारी तबाही मचाई है। कई जगहों पर रिहायशी इलाकों और हॉस्पिटल्स पर भी बमबारी की गई। वहीं यूक्रेन ने यह भी मान लिया है कि रूसी सेना ने खेरसन शहर पर अपना कंट्रोल कर लिया है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सभा में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि भारत ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने गुरुवार को दावा किया कि उसके आर्म्ड फोर्सेज ने यूक्रेन के 1600 से अधिक सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनेशकनोव ने आज दावा किया कि रूसी सशस्त्र बलों ने यूक्रेन के 1600 से अधिक सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कोशनाशेनकोव ने कहा, ऑपरेशन के दौरान कुल 1612 टारगेट्स को निशाना बनाया गया, जिसमें यूक्रेनी सेना के 62 कमांड पोस्ट और कम्युनिकेशन सेंटर, 39 S-300 बुक M1 और ओसा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम व 52 रडार स्टेशन शामिल हैं। कोनाशेनकोव ने कहा कि जमीन पर 49 और हवा में 13 विमान, 606 टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 67 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 277 फील्ड आर्टिलरी पीस और मोर्टार, 405 विशेष सैन्य वाहन व 53 मानव रहित हवाई वाहनों को नष्ट किया गया। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की आंच आम आदमी महसूस करने लगा है। देश में पेमेंट सिस्टम अब काम नहीं कर रहा और नकदी निकासी को लेकर भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी तेतियाना उस्मानोवा ने कहा कि एप्पल पे कल से काम नहीं कर रहा है। अब इससे बस में कैफे में कहीं भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा एक सुपरमार्केट ने भी प्रति व्यक्ति सामान खरीद की मात्रा सीमित कर दी है। एप्पल ने ऐलान किया है कि वह रूस में अपने आईफोन और अन्य प्रोडक्ट्स बेचना बंद कर रहा है। साथ ही एप्पल पे जैसी फैसिलिटीज को भी सीमित करेगा। बड़ी तादाद में विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने रूस में अपने कारोबार को बंद कर दिया है। कई लोगों ने बताया कि इन कदमों से उनकी रूटीन लाइफ पर काफी असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश की मुद्रा रूबल को विदेशी मुद्रा में बदलने में काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। एटीएम के बाहर लंबी लाइनें हैं और कई बैंक के कार्ड को एटीएम स्वीकार नहीं कर रहे, उससे निकासी की सुविधा बंद हो गई है। तो जहां यूक्रेन पर रूस लगातार हमले कर रहा है, वहीं प्रतिबंधों के कारण जो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा उस पर लगाए गए हैं, वहां उनकी वजह से रूस के अंदरूनी हालात भी दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें करियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। GKSSB, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 9906187157, 0191-258-3256। GK अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं, तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।